सम्मुख सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों की सुंदर झांकी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। गुरुमुखों, अग्नि को चमकती हुई वस्तु समझकर अबोध बालक उस पर लपकता है, वह उसे पकड़ना चाहता है, परंतु माता पिता जो कि अग्नि की वास्तविकता से परिचित होते हैं, इसलिए वे उसे ऐसा करने से रोकते हैं और मना करते हैं। अहंकार अर्थात मैं मेरी करना भी अग्नि की ही बाती है। मनुष्य उससे लिपटना चाहता है, उसे गले का हार बनाना चाहता है, परंतु संत महापुरुष जो कि वास्तविकता के ज्ञाता होते हैं, इसीलिए वे मनुष्य को ऐसा करने से सदा रोकते हैं। परम संत श्री कबीर साहब भी एक बार अपनी वाणी में कथन करते हैं कि मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भागी, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आगी। अर्थात जिस रुई में आग लपेटी हुई हो वह स्वाह होने से बच नहीं सकती। इसी तरह मैं भी अग्नि के समान ही बुरी बला है, सदैव इससे बचना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर मैं मेरी की अग्नि सुलगती रहती है वह मनुष्य मन ही मन सदा स्वयं को भस्म करता रहता है। अभिप्राय यही है कि जब तक मन में किसी प्रकार का अहंकार विद्यमान है तब तक सुख शांति की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। जो मनुष्य अहंकार की अग्नि से बचना चाहता है उसे चाहिए कि तू ही तू का शीतल जल उस पर डालता रहे। उस अग्नि के बुझने पर ही मन शीतल होता है और मनुष्य के हृदय में सुख और आनंद का निवास होता है। एक बार ऐसे ही संत सूरदास जी के पास उनका एक पुराना सत्संगी उनके पास आता है और अपने दुखों की गठरी खोलकर संत से कहने लगता है कि महाराज, मेरे सिर पर तो दुखों और चिंताओं का पहाड़ टूट पड़ा है, कदाचित मेरे भाग्य का चक्र ही उल्टा चल पड़ा है। जिस कार्य में भी हाथ डालता हूँ उसी में हानि होती है और इसी कारण मेरी धन संपत्ति भी समाप्त हो गई है और स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई है कि अपना मकान तक गिरवी रखना पड़ा है, मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। इस प्रकार के सैकड़ों दुख हैं, किस किस का वर्णन करके मैं आपको सुनाऊं। हे प्रभु, अब आप ही कृपा कीजिए ताकि मेरा किसी प्रकार इन दुखों और चिंताओं से छुटकारा हो जाए। प्रभु कृपा करो। उस सत्संगी की बात सुनकर संत सूरदास जी मुस्कुराने लगते हैं, फिर उससे फरमाते हैं कि प्रेमी, कई वर्षों से तुम सत्संग श्रवण करते आ रहे हो और प्राय प्रतिदिन ही सत्संग में ऐसा वर्णन आता भी है कि जीव का संसारी पदार्थों से सच्चा नाता नहीं है, इनको कोई कितना भी अपना बनाने का यत्न कर ले ये कदापि अपने नहीं बनते। संसार की कोई भी वस्तु जब अपनी है ही नहीं तो फिर अपनी बन भी कैसे सकती है। जबकि तुम प्रतिदिन सत्संग में ऐसे वचन श्रवण करते हो तो फिर उन पदार्थों की अधिकता या न्यूनता की चिंता क्यों करते हो, क्यों नहीं उनकी ममता से अपने आप को मुक्त करते हो। तुम्हारी भलाई के लिए ही तो हम तुम्हें कहते हैं कि बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न हुई, ममता की पोट सिर काहे को दरत है, मेरो धन मेरो धाम मेरे सुत मेरो बाम, मेरो पशु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरत है, तू तो ब्यो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप गेता मैं तो परत है।
सुंदर कहत तो इनेकू न आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। हम तो तुम्हें बार बार उपदेश देकर सावधान करते हैं कि संसार की असत मोह माया के जाल से स्वयं को मुक्त कर लो, परंतु तुम अपने सिर पर इस मोह ममता की गठरी रखकर स्वयं ही परेशानी मोल रहे हो और अब भी यही कह रहे हो कि मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा घर। तुम संसार की मन मोहता में फंसकर आम मनुष्यों जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन का कार्य संवरने की अपेक्षा उल्टा बिगड़ जाएगा। इसलिए उचित है कि मैं मेरी की गठरी को पटक दे। जिस मालिक ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही सब कुछ करने वाला है और सब प्रकार से समर्थ है। वह जो चाहे पलक झपकने में कर दे। इसलिए तुम अब भी हमारी बात को मानकर मैं मेरी के स्थान पर तू ही तू का पाठ याद कर ले। तो जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तुम्हें यह अमूल्य तन मिला है वह पूरा होगा और तुम इस लोक में भी सुखी रहोगे, तुम्हारा परलोक भी संवरेगा, तुम्हारे सिर का सारा बोझ उतर जाएगा और तुम्हारा जीवन दुखी से सुखी बन जाएगा। तुम यदि मालिक का स्मरण ध्यान करते रहोगे तो मालिक की समस्त शक्तियां तुम्हारा साथ देंगी। जो कार्य आज तुम्हें कठिन दिखाई देता है वे सबसे सरल हो जाएंगे। इस उपदेश को सुनकर उस गुरुमुख भगत ने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना मांगी और मैं मेरी के स्थान पर अब तू ही तू करने लगा। अर्थात संसार के पदार्थों का मोह एवं अहंकार त्याग कर प्रभु के पावन नाम को हृदय में धारण करके सदा प्रभु का धन्यवाद करने लगा। अब वह एकाग्रचित होकर नित्य प्रति सच्चे नाम की कमाई करने लगा और थोड़े ही दिनों में उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। जहाँ पहले उसके मन में दुख चिंता आदि ने आसन जमा रखा था, वहाँ अब सुख और आनंद का निवास हो गया। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने इस संसार को एक बाजार के समान बतलाया है, जहाँ भांति भांति के पदार्थ विद्यमान हैं, यहाँ नित्य सत्य और वास्तविक वस्तुएं भी उपलब्ध हैं, और वहीं ठीक इसके विपरीत यहाँ पर अनित्य, असत्य तथा अवास्तविक भी चीजें उपलब्ध हैं। महापुरुषों ने जीवों को व्यापारी कहकर संबोधित किया है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उन्हें अनमोल पूंजी देकर इस संसार में व्यापार करने के लिए ही भेजा है। अपनी अपनी समझ के अनुसार प्रत्येक मनुष्य हर समय कोई ना कोई व्यापार करता ही रहता है। एक एक पल में ये व्यापार हो रहे हैं। अब बात आती है कि मनुष्य के पास वो कौन सी अनमोल पूंजी है जो परमात्मा ने उसे प्रदान की है। वह है श्वासों की पूंजी। श्वासों की इस बहुमूल्य पूंजी के बदले प्रत्येक मनुष्य कोई ना कोई वस्तु खरीद कर रहा है, परंतु कौन सी वस्तु की उसके दिल में चाहना है और वो कौन सी वस्तु खरीद कर रहा है, विचार इस बात का करना है। यह संसार तो एक बाजार के समान है जहाँ हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध है। यहाँ सत्य भी है और नित्य भी है, यहाँ असत्य भी है और अनित्य भी है। अब जो विचारवान है, जो सत्पुरुषों की पावन संगति के प्रताप से जिन्हें सत और असत और असली नकली की परख करने वाली दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, वे तो सदा ही सत्य, नित्य और असली वस्तु की चाहना ही दिल में रखते हैं और उसे ही प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वे सदा लाभ का ही व्यापार करते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो आम संसारी लोग हैं, जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि ही प्राप्त नहीं है, जिन्हें खरे खोटे की पहचान नहीं है, वे अपने श्वासों की अनमोल पूंजी के बदले असत्य और खोटी वस्तुएं ही खरीद रहे हैं। तो वे लोग कौन सा सौदा कर रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे हैं? वे हानि का सौदा कर रहे हैं और अपनी पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। संत कबीर साहब भी अपनी वाणी में कथन करते हैं
कि ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आया, चातुर माल चौगुना की ना, मूर्ख मूल गवाया। मालिक के नाम के अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब माया की रचना होने के कारण सब मिथ्या है, सब माया का ही पसारा है। और इसमें सब और दिल को लुभा लेने वाले माया के असत्य पदार्थ हैं। इस संसार में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितेशी होते हैं। वे जीवों की भलाई तो चाहते ही है, साथ ही साथ वे उनके हित के विषय में सदा सोचते भी हैं और उन्हें अपने हितकारी उपदेशों द्वारा सदा ही चिताते आते हैं, अज्ञानता की नींद से जगाते आते हैं कि हे जीव, श्वासों की अनमोल पूंजी देकर परमपिता परमात्मा ने तुझे संसार में सच्चा व्यापार करने के लिए ही भेजा है। वो सोच समझ कर तू व्यापार कर कि जिससे तुझे लाभ हो, और जब लाभ वाला व्यापार करके तू परमात्मा के सम्मुख जाएगा तो तेरा मुख उज्ज्वल होगा। इसीलिए प्रेमियों, महापुरुषों के सदुपदेशों को हृदयगम करके नाम भक्ति की कमाई करनी है, उनका सुमिरन करना है और अपना जन्म सफल एवं सार्थक करना है।